माई चैनल, मैं हूँ उपासना और आज आप सब लोगों को मैं लेके आई हूँ वेस्ट टू वंडर्स, जहाँ पर हमारे 7 वंडर्स को वेस्ट से बनाया गया है, जिसमें से एक है इफिल टावर। और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि जो मेरा ड्रीम प्लेस है वो है पेरिस, और यहाँ पर बनाया गया है इफिल टावर। भले ही वो वेस्ट से बनाया गया, लेकिन वो मुझे फील ज़रूर देगा दैट आई एम इन पेरिस। तो आज आप लोगों को मैं वहाँ का विजिट कराती हूँ। बट बिफोर स्टार्टिंग, टू थिंग्स विच आई वॉन्ट टू टेल यू, दैट इज कि ये जो वंडर वेस्ट टू वंडर पार्क है, ये मंडे को क्लोज रहता है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर संडे को टिकट जो प्राइस है वो डबल हो जाते हैं। जो गलती आज मैंने की, आज मैं संडे के दिन आई हूँ और यहाँ पर जो टिकट प्राइस है वो मेरा डबल, मेरे को डबल चिपक गई। हाँ, मुझे अफसोस हो रहा है, लेकिन आप लोगों को नहीं होने दूंगी। तो याद रखना, संडे को मत आना, बाकी किसी भी दिन आ जाना। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और चलते हैं वेस्ट टू वंडर के अंदर। पहला और बड़ा अजूबा है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, इसके बारे में यहाँ पे लिख रखा है। और ये बना है वेस्ट से ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। तो ये सामने ये टावर है जो कि थोड़ा सा टेढ़ा है। अब बारी है मेरे ड्रीम प्लेस को देखने की, यानी आईफिल टावर को देखने की, जो कि है 30वें नंबर पे। तो चलो जल्दी आओ। तो ये है क्लोज। ये जो मैंने आपको दिखाया, ये था, इसका नाम था क्लोजियम, और ये एक एम्फी थिएटर है जिसके अंदर 65,000 पीपल एक साथ आ सकते हैं, और इसे इटली में रोम में बनाया गया है। ये तो हम जल्दी से बाकी के जो 3 वंडर्स बचे हैं उनको कवर करते हैं। सो या, लेट्स गो। बारी है 5th वंडर की, जो कि है ताजमहल। इसको तो हर इंडियन जानता होगा, तो ये भी पता होगा आप लोगों को कि जो वंडर्स है वो 7 वंडर्स में हमारा ताजमहल भी आता है, जो वाइट संगमरमर का बनाया गया है। तो अब इसे देखते हैं कि कैसे बनाया गया है। मैंने रियल लाइफ में नहीं देखा, पर वेस्ट से बना हुआ तो जरूर देख लेते हैं। आ जाओ। रियो रिडीमर है ये। ये वंडर रियो रिडीमर ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में बना है, जिसके ऊपर खड़े होकर पूरा रियो डी जेनेरियो ब्राजील शहर दिखता है। तो ये सबसे बड़ी मूर्ति, सबसे जो बड़ी बड़ी मूर्तियां ना, उनमें से ये एक मूर्ति है हमारे वर्ल्ड में। आज का आखिरी हमारा वंडर है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।
स्टैचू ऑफ लिबर्टी को 1886 में जो अमेरिकन रेजोल्यूशन हुई थी उसके बाद फ्रांस ने अमेरिका को ये स्टैचू गिफ्ट की थी। फ्रांस ने अमेरिका के लिए न्यूयॉर्क शहर में ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया था। तो यहीं पे ख़त्म होते हैं हमारे वेस्ट ऑफ वंडर्स, सेवन वेस्ट ऑफ वंडर्स की कहानी मेरे साथ। किसी दिन आपको असली वंडर्स भी दिखाऊंगी। तो यही ख़त्म होता है वेस्ट ऑफ वंडर का सफ़र, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी है। ओनली 10% इज लेफ्ट। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। खूब मज़ा आया, फैमिली डे आउटिंग के लिए सच में बहुत ही अच्छा प्लेस है। तो यहाँ पर आप फैमिली के साथ आओ, कपल आओ, कैसे भी आओ, नो वरीज। सो यस, आई एंजॉय अलॉट हियर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।